Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज आपसे तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा कि चश्मे का नंबर आता क्यों है, चश्मे के नंबर को कैसे पढ़ा जाए और चश्मे के नंबर को देख के ये कैसे अंदाज़ा या आइडिया लगाया जाए कि आपके लिए कौन सी सर्जरी चश्मा हटाने की सबसे बेस्ट या अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये शीट। अगर आप इस शीट को देखें तो इस शीट में तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक है स्फेरिकल कंपोनेंट, एक है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट और एक है रीडिंग कंपोनेंट। तो किसी आदमी का चश्मे का नंबर तीन कंपोनेंट से बन सकता है, या तो स्फेरिकल वाले कंपोनेंट से, या सिलेंडर वाले कंपोनेंट से, या फिर सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल का मिक्सचर हो सकता है। और जब आपकी एज 40-45 साल के ऊपर हो जाती है तो आपको एक रीडिंग का नंबर भी आ जाता है, तो उसको हम लोग एडिशन या फिर रीडिंग कंपोनेंट को बताते हैं। सबसे पहले हम स्फेरिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इस मॉडल पे फोकस करिए। देखिए, ये एक आंख का मॉडल है। हमारी आंख में तीन मेन चीजें होती हैं, कॉर्निया जिसको हम काली पुतली भी कहते हैं, फिर आंख में आता है एक लेंस और फिर आंख में आता है एक पर्दा। लाइट यहां से आती है, कॉर्निया और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है और पर्दे से एक नर्व जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये हमारे दिमाग से कनेक्ट होते हैं और हम लोग देख पाते हैं। अगर किसी वजह से आंख का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाए तो उस इंसान में माइनस का स्फेरिकल नंबर आना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आंख यहां आई तो -1, यहां आई तो -2, यहां आई तो -3, यहां आई तो -4, ऐसे करके जैसे जैसे आंख का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे माइनस का नंबर आना शुरू हो जाएगा। और वहीं अगर आंख का साइज छोटा रह जाए तो उस आदमी में प्लस का नंबर आना शुरू हो जाता है स्फेरिकल का। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है कि माइनस या प्लस का स्फेरिकल नंबर कैसे आता है। दूसरा नंबर जो आंख में होता है वो होता है सिलेंडर का नंबर। सिलेंडर का नंबर तब आता है जब इस पुतली का घुमाव जो है वो किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ये पुतली बिल्कुल गोल होती है, अगर किसी एक डायरेक्शन में या एक एक्सिस में पुतली का घुमाव चेंज हो जाए तो उस एक्सिस में सिलेंडर नंबर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम सिलेंडर नंबर की बात करते हैं तो हमेशा सिलेंडर नंबर के साथ एक एक्सिस लिखा होता है। उस एक्सिस का यही मतलब है कि किस डायरेक्शन में पुतली का घुमाव बदला हुआ है और उस डायरेक्शन में सिलेंडर का नंबर आ गया। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि स्फेरिकल नंबर आंख के पीछे से बड़े या छोटे होने की वजह से आता है और सिलेंडर नंबर आंख की पुतली का जो घुमाव है अगर वो किसी एक डायरेक्शन में बदल जाए उसकी वजह से आता है। अब हम बात करते हैं कि एडिशन नंबर या रीडिंग नंबर क्यों आता है। रीडिंग नंबर जनरली जब आप 40-45 साल के हो जाते हैं उस उम्र में आता है और रीडिंग नंबर इसलिए आता है क्योंकि जो ये लेंस है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो एज के साथ ख़त्म हो जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम यंग होते हैं तो हमारे आँख के अंदर का लेंस जो है वो एक ऑटो फोकस लेंस की तरह होता है जो नज़दीक का और दूर का भी फोकस कर सकता है, लेकिन एज के साथ इसकी इलास्टिसिटी जो होती है लेंस की वो ख़त्म हो जाती है, तो वो नियर के लिए अपना फोकस नहीं चेंज कर पाता, इलास्टिसिटी चेंज नहीं कर पाता, इसलिए आपको नज़दीक का पढ़ने के लिए चश्मे के नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एडिशन या रीडिंग नंबर 40-45 साल के बाद आता है।
वो सिर्फ रीडिंग के लिए होता है या नज़दीक के लिए होता है, दूर के लिए नहीं होता। और स्फेरिकल नंबर आंक के साइज बड़े या छोटे होने की वजह से आता है। सिलेंड्रिकल नंबर आंक का जो घुमाव है वो अगर किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाए उस वजह से आता है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि चश्मे का नंबर क्यों आ रहा है और उस नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चश्मे का नंबर देख के आप ये कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी चश्मा हटाने की सर्जरी सबसे बेस्ट रहेगी। तो फिर से एक बार यहाँ पे फोकस करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे अब ये जो चार्ट देख रहे हो इससे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जो भी लेज़र सर्जरीज हैं, वो चाहे आपका लेसिक हो गया, आपका स्माइल हो गया, या जो सबसे बेस्ट वाली है कंट्यूरा विजन हो गया, ये सारी लेज़र सर्जरीज -8 तक का स्फेरिकल हटा सकती हैं और -4 तक का सिलेंडर हटा सकती हैं और +4 तक का स्फेरिकल हटा सकती है। तो अगर आपका नंबर -8 स्फेरिकल से कम है तो आप लेज़र सर्जरी करा सकते हो। अगर आपका सिलेंडर -4 से कम है तो आप लेज़र सर्जरी करा सकते हो। अगर आपका स्फेरिकल +5 या उससे कम है तो आप लेज़र सर्जरी करा सकते हो। लेकिन अगर आपकी आँख में स्फेरिकल और सिलेंडर दोनों हैं तो उन दोनों का एडिशन करके 8 से कम होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी आंख में 4 का स्फेरिकल है, -4 का स्फेरिकल और -2 का सिलेंडर है, तो 4 और 2 6 हो गए, तो ये 6 8 से कम है तो आप लेज़र सर्जरी करवा सकते हो। ऐसे ही एक और, जैसे -5 का स्फेरिकल है और -2 का सिलेंडर है, तो 5 और 6 7 हो गया, 8 से कम है तो आप लेज़र सर्जरी करवा सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपका स्फेरिकल -7 है और सिलेंडर -2 है, तो 7 और 2 को हमने ऐड करा तो -9 हो गया। यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा जब हम आपकी लेज़र सर्जरी को कंसिडर करेंगे। अब मान लीजिए आपका स्फेरिकल नंबर 8 से ऊपर है, मान लीजिए -9 है, -10 है, या फिर स्फेरिकल और सिलेंडर को ऐड करके 8 से ऊपर जा रहा है, तो अब आपके ऑप्शंस जो हैं वो लेज़र ना होके ICL के हो जाते हैं। तो अगर आपका नंबर 8 से ऊपर है 18 तक, -8 से 18 की रेंज में आता है, तो उस आपके प्रिस्क्रिप्शन के लिए ICL जो है वो बेस्ट सर्जरी होगी। तो ऐसे ही अगर हम प्लस की बात करें तो अगर आपका नंबर +5 से ऊपर है तो फिर हमें ICL या फिर एक और टेक्नोलॉजी जिसको RLE कहते हैं वो करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं स्क्रीन पे आपको ये नोमोग्राम्स दिखा रहा हूँ जिसको देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी सर्जरी आपके लिए अच्छी रहेगी। हालांकि ये नोमोग्राम्स नॉर्मल लोगों के लिए हैं, फिर भी आपको अपने डॉक्टर के साथ जाके एक बार डिस्कस करना चाहिए क्योंकि जो डॉक्टर है वो आपको फाइनल एक प्रोफेशनल ओपिनियन दे सकता है। बट यस, इन सब को देख के आप थोड़ा सा अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सर्जरी सूटेबल रहेगी, किस सर्जरी की आप रेंज में आ रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।